आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देश भर में मनाया जा रहा दशहरा का पर्व, अच्छाई की जीत है विजयदशमी का महापर्व। देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। चारों ओर रावण के पुतले जलाए जा रहे। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी को मनाया गया। ड्रोन से हथियार मंगवाने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 पिस्तौल बरामद, जेल से हो रही थी तस्करी। पंजाब पुलिस ने ड्रोन आधारित हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 8 मैगजीन समेत 10 विदेशी निर्मित पिस्तौल बरामद की है। आरोपी की पहचान जसकरण सिंह के रूप में हुई है, वह उप जेल गोइंदवाल साहिब में बंद है। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, लैंडलाइन नंबर पर आया फोन। मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा फोन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रसायन के नोबेल पुरस्कार का किया गया ऐलान, 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। रसायन के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के कैरोलिन बेर्टोजी, डेनमार्क के मार्टिन मेलडॉल और अमेरिका के बैरी शार्पलेस को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की हुई मौत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आज भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। सेवानिवृत्ति के बाद पैतृक गांव पहुंचे पूर्व राज्यपाल, कहा अब जयंत अखिलेश की मदद करेंगे। मेघालय के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सत्यपाल मलिक बुधवार को अपने गांव पहुंचे। इस दौरान मलिक ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा अब जयंत अखिलेश की मदद करेंगे। मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार नहीं, हालत अभी भी गंभीर, हरियाणा के CM पहुंचे हाल जानने। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल मेदांत अस्पताल पहुंचे हैं। नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, के चंद्रशेखर ने बनाई भारत राष्ट्र समिति। हैदराबाद में लगे देश का नेता KCR के नारे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। हरियाणा में पराली जलाई तो जुर्माने के साथ होगी FIR, हर गांव में तैनात होंगे नोडल अधिकारी। पराली जलाने को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने जागरूकता और सख्ती दोनों विकल्पों को रखा है। पहले किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विकल्प दिए जाएंगे, अगर फिर भी किसानों ने पराली जलाई तो जुर्माने के साथ साथ FIR भी होगी। आग में फंसे थे बेटा बेटी, बचाने गए अस्पताल संचालक, मौत के आगोश में समाये पिता पुत्र और पुत्री। आगरा के शाहगंज में R मधुराज हॉस्पिटल में आग लगने की घटना में डायरेक्टर राजन, उनकी बेटी सिमरन उर्फ शालू और बेटे ऋषि की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। दशहरे पर बदला अचानक मौसम, झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। दशहरे के मौके पर आज देश के कुछ राज्यों में बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। कानपुर में भारी बारिश के कारण रावण का पुतला भी भीग कर टेढ़ा हो गया है। गैस सिलेंडर फटने से मकान हुआ जमींदोज, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की हुई मौत। गाजियाबाद जिले में बुधवार को एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। पौड़ी में बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 25 लोगों की मौत। घटना स्थल पर पहुंचे CM धामी। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल इलाके में करीब 45 से 50 लोगों को ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने से दुर्घटना में 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। बचाव टीम ने 21 लोगों को बचाया है।
घटनास्थल पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। उत्तरकाशी हिमस्खलन और पौड़ी हादसे में सीएम धामी ने किया मुआवजे का ऐलान। दशहरे पर आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन और पौड़ी में हुए बस हादसे को लेकर मुआवजे की घोषणा की है। बागपत के बड़ा गांव में नहीं होता है रावण का दहन, लंकापति की पूजा करते हैं ग्रामीण। बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में रावण उर्फ बड़ा गांव के लोग लंका के राजा रावण के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। रावण के सम्मान में यहां ना तो रामलीला का आयोजन होता है और ना ही पुतले का दहन किया जाता है। मैनपुरी में टावर पर चढ़ा हनुमान भक्त नौशाद, हिंदू मुस्लिम को गले मिलवाने की रखी शर्त। मैनपुरी के करहल में बुधवार को नौशाद एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी होते ही तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। खुद को हनुमान भक्त बताने वाले नौशाद ने कहा कि जब तक हिंदू मुस्लिम गले नहीं मिलेंगे वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। तहसीलदार ने हिंदू और मुस्लिम युवकों को बुलाकर गले मिलवाया। इसके बाद नौशाद टावर से नीचे उतर आया। मेरठ में अचानक शुरू हुई तेज बारिश, दशहरा की तैयारियों पर फिरा पानी। मेरठ में बुधवार दोपहर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दशहरा के अवसर पर अचानक हुई झमाझम बारिश से शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहाड़ में मील का पत्थर साबित होगा बिलासपुर एम्स, राह आसान करेंगे ड्रोन और हेलीकॉप्टर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना एम्स पहाड़ के मुश्किल जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस एम्स का उद्घाटन किया है। डीजी जेल लोहिया को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि, मां बोली उसका कसूर क्या था। जम्मू में बुधवार को पुष्पांजलि समारोह के दौरान डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पारिवारिक सदस्यों ने उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। गरीबों की असाधारण मदद के लिए भारत की तारीफ, विश्व बैंक ने कहा दूसरे देश भारत से सीखें। कोरोना काल में देश के गरीबों की असाधारण ढंग से मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि कोविड 19 महामारी के दौर में भारत ने गरीब और जरूरतमंदों की जिस तरह से तारीफ की है वह तारीफ के काबिल है। विश्व बैंक ने गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दूसरे देशों को भी भारत से सबक लेना चाहिए। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।